हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का। ये है गुड वाइब्स का एलोवेरा लेमन जेल। ये गुड वाइब्स प्लस का है। तो इनका जो गुड वाइब्स का जेल आते हैं उसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होता है, और जो ये प्लस है इसमें दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके जेल आता है। ये सॉफ्टनिंग रेडियंस जेल है जो कि 50 ग्राम के पैक में आता है। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये न्यूली लॉन्च नहीं है, काफ़ी पुराना है, पर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं गुड वाइब्स के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ। खुद परचेज करके यूज़ किया, मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये परचेज़ किया, इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे मेरी स्किन पे इसने कैसे काम किया, मुझे पसंद आया या नहीं, सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो आप भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा। जैसे कि सारे जेल्स आते हैं गुड वाइब्स के, वैसे ही ये इसकी पैकेजिंग भी है, और बस कलर चेंज है। ये ब्लैक और येलो कलर का पैकेजिंग में आता है, बाकी बॉटल वगैरह सब सेम है। 50 ग्राम का ये पैक है, सबसे छोटा है। इसमें और भी साइजेस आपको मिल जाएंगी। सारा डिटेल इधर बाहर भी बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें भी सारे डिटेल मेंशन है। और इसके प्राइस की बात करूँ तो 225 रुपीज़ का है, पर जब मैंने इसको परचेज़ किया था तब मुझे 120 रुपीज़ का ये मिला, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे और गुड वाइब्स में बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं। अभी ये आपको 200 के अराउंड पड़ेगा, पर जब मैंने लिया तब मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा था। और आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इसके टेक्सचर को देख लेते हैं, तो इसका जो कलर है बिल्कुल येल्लो है, जैसे कि लेमन का कलर होता है वैसा है। जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, लाइट वेटेड है, ऑयल फ्री है। आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल येलो है। और फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो लेमन की इसकी फ्रेग्रेंस है, और बहुत ज़्यादा तीखी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है या फिर कलर से प्रॉब्लम है, तब आप इस जेल को परचेज बिल्कुल भी ना करें। तो अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है, क्योंकि इसमें है एलोवेरा और लेमन। तो एलोवेरा होने के कारण ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेट करता है, रेडिएंट प्रोवाइड करता है। और इसमें लेमन है, साथ में लेमन यूज़ किया गया है, एलोवेरा है। तो इसको लगाने के बाद आपको कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा, और ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसमें, क्योंकि लेमन यूज़ किया गया है। साथ ही साथ स्किन को एक्ने फ्री करता है, ब्लैक हेड्स फ्री करता है। ब्लैक हेड्स फ्री करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको लगा लेंगे तो आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे, पर अगर आप इसको लगाएंगे तो ये ब्लैक हेड्स को होने नहीं देगा। ऐसे ही एक्ने को ये दूर नहीं करता है, पर अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके एक्ने को इंक्रीज नहीं करेगा। वैसे तो सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरी ऑयली स्किन है तभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। पर ये ड्राई स्किन वालों पर बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें एलोवेरा यूज़ किया गया है। सेंसिटिव स्किन है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको लेमन से प्रॉब्लम है तब आप इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए हैं, इसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। इसमें हर्बल चीज़ें भी यूज़ की गई हैं, साथ ही साथ केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं, फ्रेग्रेंस भी है और कलर भी यूज़ किया गया है। पर ये पैराबेन फ्री है, क्रूएल्टी फ्री जेल है। और इसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए गए हैं वो मैंने सारे सर्च करके देखे, और इसमें क्वांटिटी तो दी नहीं है कि कितनी क्वांटिटी दी हुई है। क्वांटिटी ही डिपेंड करती है केमिकल्स की, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा या नहीं। तो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं दी गई है, पर इसमें केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। और मैं इसको 15-20 दिन हो गए हैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने ओवरनाइट भी इसको यूज़ करके देखा, पर मेरी स्किन पर इसने कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं किया। बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, और आपकी स्किन इसको लगाने के बाद ग्लोइंग लगेगी। मुझे ये जेल काफ़ी अच्छी लगी, पर अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि काफ़ी तीखी फ्रेग्रेंस है इसकी। कलर भी यूज़ किया गया है, तो कुछ लोगों की जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं उनको कलर फ्रेग्रेंस सूट नहीं करता, तो वो ये ना लें। और एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपको थोड़े बहुत एक्ने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर आपका चेहरा भरा हुआ है पिंपल से तो आप इसको यूज़ ना करें। और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा। कॉम्बिनेशन स्किन है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन है तभी आप इसको यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो जेल है ये ऑयल फ्री है, आप इसको यूज़ करोगे आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली नहीं होगी। अगर आप कोई भी जेल क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो आप टोनर यूज़ ज़रूर कीजिए। पहले टोनर यूज़ कीजिए, इसके बाद क्रीम जेल या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री है और ऑयल नहीं आता है काफ़ी टाइम तक।
और लाइट वेटेड है, मतलब कुछ क्रीम्स होती हैं, जेल्स होते हैं जिनको लगाने के बाद स्वेटिंग होती है, बहुत हैवी हैवी लगता है, इसको लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, प्राइमर की जैसे यूज़ कर सकते हैं, डे क्रीम नाइट क्रीम भी आप इसको नाइट मॉइस्चराइजर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ओवरनाइट भी कई बार इसको यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, सॉफ्ट बनाएगा। पर अगर आप सोच रहे हो कि इसमें लेमन है और एलोवेरा है तो ये पिंपल ठीक करेगा, तो नहीं करता है, दाग धब भी दूर करेगा। तो 15-20 दिनों से तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। अगर आप इस जेल को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। पर्पल पे मिल जाएगा, अब तो अमेज़न फ्लिपकार्ट हर जगह ये अवेलेबल है और अच्छे डिस्काउंट के साथ मिलेगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।